दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप दो YouTube चैनल पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो सेम टाइम पर। सबसे पहले आपको जो आपका पहला चैनल है वो आपको यहां लॉगिन कर लेना है। हमने इसे लॉगिन कर लिया और उसके बाद इसे मिनिमाइज कर देते हैं और चलते हैं अपने OBS स्टूडियो पर। मैंने यहाँ पर OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। OBS स्टूडियो के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप हमारी OBS स्टूडियो की ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हो। बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमें OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है और जो कुछ भी आप लाइव करना चाहते हो वो आपको OBS में आपको सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर GTA 5 का एक वीडियो मैंने लगा दिया है और अगर आप चाहते हो वेबकैम ऐड करना तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे वेबकैम ऐड करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। OBS स्टूडियो की ये सेटिंग करने के बाद अब आपको वापस अपने पहले वाले चैनल को ओपन कर लेना है जो हमने मिनिमाइज किया था। इसे हमने ओपन कर लिया है। अब आपको ऊपर की तरफ जो प्लस का बटन दिखाई दे रहा है यहां पर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है, उसके बाद गो लाइव पर क्लिक करना है और यहां पर इस साइड आप देख रहे हो तो यहां पर आपको स्ट्रीम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। स्ट्रीम पर आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है, अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देना है और नीचे की तरफ जो भी सारी सेटिंग्स होती हैं वो हमें यहाँ पर कर लेनी है। विजिबिलिटी है ये हमें पब्लिक कर देनी है। तो यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका गेमिंग चैनल है तो यहाँ से आप गेमिंग कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको थंबनेल लगा देना है। सारी चीज़ें आप यहाँ से एक बार सेट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेव का, तो सेव के बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर ये हमारी सारी सेटिंग इसकी हो चुकी है। अब आपको सिंपल इस साइड आप देख रहे हो यहाँ पर एक स्ट्रीम की का ऑप्शन आ रहा है। इस स्ट्रीम की को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। स्ट्रीम की को कॉपी कर लीजिए। स्ट्रीम की हमने यहाँ से कॉपी कर ली। उसके बाद वापस हम OBS स्टूडियो पर जाएंगे, इसे हम कर देते हैं मिनिमाइज और उसके बाद OBS में हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे और सेटिंग के बाद स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्ट्रीम की यहाँ पर जो आ रही है इसकी जगह पर आप स्ट्रीम की जो अभी हमने कॉपी करी थी वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद कर देंगे इसे अप्लाई। अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो अब हमारी सारी सेटिंग हो गई है। स्ट्रीम की भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम और करना है। दोबारा से आपको अपने पहले यूट्यूब चैनल को ओपन करना है। ये जो हमारा स्टूडियो था इसे हमें ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम करना है। आपको अपनी लाइव चैट पढ़ना है, कौन क्या मैसेज कर रहा है वो भी आपको पढ़ना होगा। दोनों ही चैनल के जो लाइव के कमेंट आएंगे तो उन्हें भी हमें पढ़ना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो लाइव चैट, इसके आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर जो बीच वाला ऑप्शन आ रहा है पॉप आउट चैट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप पॉप आउट चैट पर क्लिक करोगे तो ये जो चैट वाला पोर्शन है ये यहां से अलग हो जाएगा। तो जैसे ही हमने पॉप आउट चैट पर क्लिक किया तो ये जो चैट वाला पोर्शन है ये यहाँ से अलग हो गया, यानी लाइव स्टूडियो से ये अलग हो चुका है। अब आपको लाइव स्टूडियो को भी मिनिमाइज कर देना है। इसे हम चैनल को कर देते हैं मिनिमाइज। हमने इसे मिनिमाइज कर दिया और हमारा जो चैट का ऑप्शन आ रहा था, जो चैट वाला पोर्शन था, वो हमने यहाँ पर रख लिया है। तो अब हमने अपने पहले चैनल यानी AV टेक्नोटेक को हमने मिनिमाइज कर दिया है। उसकी स्ट्रीम की को हमने OBS में लगा दिया है। इसके अलावा जो उसका चैट पोर्शन था उसे हमने अलग कर लिया है और वो यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। यानी अब AV टेक्नोटेक पर कोई भी अगर चैट मैसेज करेगा तो वो मैसेज हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हमने उसे यहाँ पर रख दिया है। अब हमारे पहले YouTube चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग यहाँ पर हो चुकी है। लाइव स्ट्रीमिंग अभी हमने स्टार्ट नहीं की है लेकिन यहाँ पर हमारी सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें दूसरे चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, OBS स्टूडियो में इस साइड यहाँ पर आप देखोगे कंट्रोल्स में आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। तो आपको स्टार्ट वर्चुअल कैमरा को क्लिक कर देना है, वर्चुअल कैमरा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें अपना दूसरा यूट्यूब चैनल जिस पर हम एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो उस यूट्यूब चैनल को भी ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। मैं यहां पर ट्रायंगल गेमर मेरा दूसरा चैनल है उसको मैं ओपन कर लेता हूं, लॉगिन कर लेता हूं। आप देख सकते हो यहां पर ट्रायंगल गेमर हमने ओपन कर लिया है और उसके बाद यहां पर भी हम प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे। आप प्लस का बटन यहां पर देख सकते हो, इसे क्लिक करेंगे, गो लाइव पर जाएंगे। यहां पर आपको ये स्ट्रीम वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, अब आपको सिलेक्ट करना है वेबकैम वाला ऑप्शन।
वेब कैम पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है। यहाँ पर आप कोई भी टाइटल दे सकते हो, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ GTA सेकंड लाइव स्ट्रीम, ठीक है, जिससे आप पहचान पाओगे ये सारी जो लाइव स्ट्रीम है। बाद में आप देख भी सकते हो कि किस तरह से लाइव स्ट्रीम यहाँ पर हुई है, तो मैं लिख देता हूँ GTA 5 सेकंड लाइव, ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेट की जगह इसे कर देना है पब्लिक, इसे हम पब्लिक कर देते हैं। और उसके बाद आप सारी सेटिंग जैसे हमने उसमें की थी वैसी सारी सेटिंग्स हम यहाँ पर कर देंगे। जो भी आपको अपना टाइटल वगैरह देना है, टैग लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन देने हैं, सारा कुछ हम यहाँ पर कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया, गेमिंग वगैरह सारा यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, गेम टाइटल अगर आप देना चाहो वो भी आप दे सकते हो, सारी सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख रहे हो जो कैमरे का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो लॉजीटेक HD वेबकैम यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है OVS कैमरा। जैसे कि आप जानते हो हमने OVS पर OVS का जो वर्चुअल कैमरा है उसे हमने स्टार्ट कर रखा है, तो आप जैसे ही यहाँ टिक करोगे आपको OVS कैमरा यहाँ पर दिखने लगेगा। यहाँ पर टिक कीजिए और ये आप देख सकते हो OVS वर्चुअल कैमरा यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर OVS वर्चुअल कैमरा सिलेक्ट कर लेना है। OVS वर्चुअल कैमरा यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आप अपना माइक सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका माइक है वो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो हमारा माइक है माउनो AU-03, तो वो यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है। सारी सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी थंबनेल आप लगा सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पर अपने आप ही इसने थंबनेल को ले लिया है। अपलोड कस्टम थंबनेल भी आप यहाँ लगा सकते हो और रीटेक थंबनेल भी कर सकते हो। रीटेक थंबनेल में जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो जो वीडियो चल रही है वो यहाँ पर आने लगेगी। तो इसके बाद अब यहाँ पर एक तरह से प्रीव्यू आ रहा है इसका, ये सारी सेटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। और जैसे ही अब आप यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही आप यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करेंगे तो हमारे ट्रायंगल गेमर पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी OVS पर जो कुछ भी दिख रहा होगा वो यहाँ लाइव हो जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको गो लाइव, जैसे ही आप गो लाइव पर क्लिक कीजिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी हमने OVS में सेटिंग करी थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर दिख रही है। जो कुछ भी OBS पर चल रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो ना ये सारा कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। जो भी इसके टेक्स्ट हैं वो यहाँ पर उल्टे दिख रहे हैं, सब्सक्राइबर यहाँ उल्टे दिख रहे हैं, ये सारे जो उल्टे यहाँ पर दिख रहे हैं ये यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में जो लोग देख रहे होंगे यानी ट्रायंगल गेमर पर जो लोग इसे देख रहे होंगे उन्हें सब कुछ बिल्कुल सीधा दिख रहा होगा, प्रॉपर दिख रहा होगा। आप इसे जाके चेक भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए ट्रायंगल गेमर का कोई भी चैट अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके चैट बॉक्स को भी अलग कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो तीन डॉट जो आप देख रहे हो लाइव चैट के आगे, 3 डॉट हैं, इन्हें क्लिक करेंगे और पॉप आउट चैट यानी इसको भी हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। ये भी बॉक्स हमारा अलग हो गया, यानी ट्रायंगल गेमर का भी जो चैट बॉक्स है वो हमने अलग कर लिया है। अब उसके बाद इसे कर देंगे हम मिनिमाइज, यानी जो हमारी जो विंडो है दोनों चैनल की विंडो हमने यहाँ पर मिनिमाइज कर दी। ट्रायंगल गेमर पर तो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है, जो भी यहाँ पर शो हो रहा है OBS पर वो हमारा ट्रायंगल गेमर पर दिखाई दे रहा है। अब हमें AB टेक्नोटेक पर भी करना है, तो उसके लिए सिंपल AB टेक्नोटेक का जो स्ट्रीम की था वो हमने इसमें डाल रखा है और उसके बाद यहाँ पर हमें स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करोगे तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो AB टेक्नोटेक और ट्रायंगल गेमर यानी दोनों चैनल पर एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ का बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखना है कि दोनों चैनल आपके अपने चैनल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे चैनल पर लाइव कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो भैया इसमें कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। लेकिन अगर दोनों ही चैनल आपके अपने हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम वगैरह जो भी होगा वो आपके ही चैनल पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे AB टेक्नोटेक से जो मैसेज इन्होंने किया है, यानी लाइव हम हो चुके हैं। इस तरह से जो कोई भी अगर ट्रायंगल गेमर पर अगर कोई करेगा मैसेज करेगा तो वो भी यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ से आप किसी को भी रिप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों YouTube चैनल पर एक साथ आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। अब आप चाहते हो कि एक चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग को मैं बंद कर दूं और एक की मैं चलने दूं, ट्रायंगल गेमर की लाइव स्ट्रीमिंग को मैं बंद कर दूं, तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो वर्चुअल कैमरा आ रहा है स्टॉप वर्चुअल कैमरा पर आप क्लिक कर दीजिए।
तो ट्रायंगल गेमर की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं ट्रायंगल गेमर पर तो लाइव स्ट्रीम चलती रहे बट ए बी टेक्नोटेक वाली मैं बंद करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ स्टॉप स्ट्रीमिंग पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ए बी टेक्नोटेक वाली बंद हो जाएगी और ट्रायंगल गेमर की चलती रहेगी। अगर आपको दोनों ही बंद करनी है तो आपको दोनों को स्टॉप करना है, स्टॉप स्ट्रीमिंग और स्टॉप वर्चुअल कैमरा। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से दो यूट्यूब चैनल पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों चैनल आपके अपने चैनल होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।